नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर परमजोत कौर। आज तक हमने सीखा है कि हमें कौन सा टूथब्रश यूज़ करना है। आज हम देखेंगे, टूथब्रश तो पता चल गया, लेकिन टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है। टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट का भी हमें बहुत कंफ्यूजन होता है हमेशा, राइट? जब भी आपको टूथपेस्ट खरीदना है तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो बहुत कुछ क्लेम करते हैं, लेकिन डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ दैट। आपको उन सब के लिए एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं जाना है। टूथपेस्ट किस चीज़ के लिए चाहिए हमें? ताकि हमारे मुंह की सफाई अच्छी हो सके और हमारी ब्रेथ थोड़ी फ्रेश हो सके। उसके हिसाब से सारे टूथपेस्ट एक ही काम करते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप अगर बहुत पर्टिकुलर हैं टूथपेस्ट के बारे में तो केमिकल्स को छोड़ के हर्बल यूज़ कर सकते हैं। सो आप कभी भी टूथपेस्ट खरीदने जाएं या आप टूथपेस्ट खरीदने का सोच रहे हैं, आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो टूथपेस्ट या तो केमिकल हो सकते हैं या हर्बल हो सकते हैं। दूसरा, वो टूथपेस्ट किस रीज़न के लिए बना है। नॉर्मल टूथपेस्ट होता है, सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट होते हैं, एंटी प्लाक टूथपेस्ट होते हैं, या फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं, या वाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं। आपको जैसी ज़रूरत है आप वैसा यूज़ कीजिए। ब्लाइंडली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़ मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल सा नॉर्मल टूथपेस्ट कोई किसी भी ब्रांड का यूज़ कीजिए। अमाउंट जितना जब आप ब्रश करते हो किसी भी टूथपेस्ट का, इन और इन सब में से जब आप ब्रश करते हो तो पूरा भर के नहीं लगाना है, छोटा सा पी साइज अमाउंट, जो अपना मटर का दाना होता है उतना सा लगाइए। ब्रश को टैप कीजिए ताकि वो टूथपेस्ट जो ब्रश में पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको आराम से 2 मिनट के लिए ब्रश कीजिए। बच्चों के लिए टूथपेस्ट आप ध्यान रखिए कि फ्लोराइड वाला नहीं यूज़ करें जब तक वो स्पिट नहीं कर सकते ढंग से। फ्लोराइड एक केमिकल होता है जो दांतों के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे स्पिट नहीं कर सकते हैं, उनको मीठा मीठा लगता है, वो स्वॉलो कर सकते हैं, तो ये सारे केमिकल्स का एक हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ये सारे केमिकल्स को एक तरफ रखिए, कोई हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कीजिए जो आयुर्वेदिक हो या हर्बल हो, जिसमें केमिकल्स कम से कम यूज़ किए गए हों। उससे आपका जनरल हेल्थ पे इसका असर कम पड़ेगा, ठीक है? अब हमें हमारी आदत होती है, कई बार सुबह ब्रश करते हैं, मुंह में ब्रश लेते हैं, घूमते रहते हैं पूरे घर में, कुछ और काम करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका टूथपेस्ट जितनी देर आपके मुंह के अंदर रहता है उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है, आपके गालों से आपके सिस्टम के अंदर वो जा सकता है, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें वो सब स्पिट करना है। तो शीशे में देख के टाइम मैप करके 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्रश कीजिए और उसको टाइम से स्पिट कर दीजिए। सेम ही अपने बच्चों को सिखाइए, बस ये काफ़ी है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो जो अभी भी आपको लगे कि आपके आप कंफ्यूजन है टूथब्रश के बारे में या टूथपेस्ट के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में।